नॉर्मली आपको क्या करना है कि इसे कनेक्ट कर लेना है यहाँ से। इसके बाद आपको सीपीयू के यूएसबी हब में इसे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे दो तरह के हब होते हैं, ये 2.0 और 3.0। अगर आपको फास्ट ट्रांसफर करना है तो आप इसको 3.0 में कनेक्ट करेंगे, अगर स्लो करना है तो आपको इसको 2.0 में कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पेड़ जैसा, तो आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर फाइल विया यूएसबी लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओनली चार्जिंग मोड पे चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा आ रहा है टैप टू ट्रांसमिट फाइल्स, तो आपको दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये आपका फोन कनेक्ट हो चुका है पीसी से। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके फोन में कुछ इस तरह का भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके फोन में कुछ इस टाइप का खुल के आ जाएगा, तो आपको यूएसबी स्टोरेज डिवाइस पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो दोस्तों रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपके फोन में ऑप्शन नहीं आता है कनेक्टिविटी का, तो आपको क्या करना है कि डेवलपर ऑप्शन पे जाना है, तो आपको यूएसबी डिबग को क्लिक करके ऑन कर देना है। आपका इंटरनल स्टोरेज फोन का यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये देखिए, ये मेरा पीसी है, मेरे पीसी के अंदर ये मेरा ओप्पो का डिवाइस जो है खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आपका इंटरनल स्टोरेज शो कर रहा है। अगर मेमोरी कार्ड, अगर आपके फोन में मेमोरी कार्ड भी अलग से लगी होती तो यहाँ पे अलग सा सेक्शन बन के आ जाता। तो दोस्तों अगर आपके पीसी में ये वाला ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, खाली ये ड्राइवर का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे प्रोफाइल पे विजिट कर लीजिएगा इसके लिए। तो अभी मैं यहाँ से फाइल ट्रांसफर करके दिखाती हूँ आपको। तो आप इस सेक्शन को ओपन कर लेंगे, अगर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आ रहा होता तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने मेमोरी कार्ड नहीं लगा रखी है, तो मैं इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करूंगी। तो आप अपने फोन में से उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको डेटा कॉपी करना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मास्टर में मेरा डेटा है, मैं इसे डबल क्लिक कर दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी दो वीडियो कॉपी कर लूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक करके दोनों को स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद राइट क्लिक करूंगी, यहाँ से मुझे अगर मूव करना है तो यहाँ से मैं कट करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लूंगी, अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लूंगी। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। अब डेस्कटॉप पे यहाँ पे राइट क्लिक कर देती हूँ, उसके बाद आपका पेस्ट का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मेरा डेटा मूव होना स्टार्ट हो चुका है मेरे पीसी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी दोनों वीडियो आ गई हैं।